नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी, एक आतंकवादी ढेर। यह एनकाउंटर बुधवार सुबह शुरू हुआ था जब जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और सेना की टुकड़ियां इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। कोरोना की मार के बीच स्वास्थ्य से खिलवाड़, वाराणसी से 4 करोड़ रुपए की नकली कोविशील्ड टेस्टिंग किट जब्त। वाराणसी में एसटीएफ ने बड़े पैमाने पर नकली कोविशील्ड और जय कोविड के साथ नकली कोविड टेस्टिंग किट जब्त की। इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए मानी जा रही है। पीएम मोदी बोले, सस्ता और तेज इंटरनेट भारत की पहचान बना, 5G से रोजगार के नए मौके आएंगे। और बजट 2022 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, पीएम मोदी का यह संबोधन वर्चुअली रहा। सचिन पायलट ने कहा, बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली, यूपी में कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने मनरेगा जैसी योजनाओं का बजट भी घटा दिया है, यूपी में इस बार जनता बदलाव के मूड में है। पीएम मोदी बोले, बजट में कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए उठाए गए बड़े कदम। पीएम मोदी ने कहा कि बजट स्पीच में पूरा बजट संभव नहीं होता, क्योंकि बजट बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, उसमें बारीकियां होती हैं और सदन में यह सब बोलना संभव भी नहीं हो पाता। बिहार में बदहाल व्यवस्था की शर्मनाक तस्वीर। मोतिहारी में गाड़ी की हेडलाइट जलाकर छात्रों को दिलाई गई इंटर की परीक्षा, 2 घंटे देरी से शुरू हुआ एग्जाम। बिहार में इंटर परीक्षा के दौरान अर्थव्यवस्था की शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली है। यहां मोतिहारी में पहले तो 2 घंटे विलंब से परीक्षा शुरू हुआ, इसके बाद अंधेरा होने पर गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर छात्रों को परीक्षा दिलाई गई। अखिलेश जयंत की जोड़ी पर बोले सीएम योगी, माल वही बस लिफाफा नया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो 2 लड़के हैं ना, पहले भी आए थे, लेकिन माल वही है बस लिफाफा नया है। ये दोनों लड़के वही हैं, एक सत्ता में बैठकर हत्या कर रहा था, दूसरा दिल्ली में बैठकर दंगाइयों का बचाव कर रहा था। बीजेपी का हिस्सा हूँ और आजीवन रहूंगी, सपा में शामिल होने की खबरों पर बोली स्वाति सिंह। टिकट नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश की मंत्री और बीजेपी नेता स्वाति सिंह ने कहा कि पार्टी को जो भी निर्णय है वो अच्छा सोच समझ के ही लिया गया होगा, मैं बीजेपी का हिस्सा हूँ और आजीवन बीजेपी का हिस्सा रहूंगी। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपये देने का वादा, 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपये देने का बड़ा ऐलान किया है, साथ ही पार्टी ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया। बुलंदशहर में अखिलेश पर बरसे सीएम योगी, कहा जनता ने वैक्सीन लगवाकर विरोधियों को तमाचा मारा। सीएम योगी ने कहा, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, उनके मुँह पर जनता ने तमाचा मारा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, जयंत चौधरी चुनाव से पहले हमारे साथ हैं और हमारी पार्टी उनका सम्मान करती है। निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप बयान पर सियासी रार, प्रियंका बोली, ये प्रदेश के लोगों का अपमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप वाले बयान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है, पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस इस मुद्दा बनाने में जुट गई है। निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप कमेंट से भड़की कांग्रेस, यूपी के लोगों का अपमान करने और मजाक उड़ाने का आरोप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप वाले कमेंट पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है, पार्टी ने इसे उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान बताया। अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी, कहा 10 मार्च को निकल जाएगी इनकी सारी गर्मी। सीएम योगी ने कहा, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, उनके मुंह पर जनता ने तमाचा मारा है, क्योंकि जनता ने वैक्सीन की डोज लगवाई है और अब चुनाव में विरोधियों को हार की डोज भी लगानी है। बजट में महाराष्ट्र को मिले 5,000 करोड़, डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, महाराष्ट्र के साथ हुआ अन्याय। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दावा किया कि राज्य ने वस्तु एवं सेवा कर के रूप में केंद्रीय कोष में 48,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू होगा बारिश और बर्फबारी का दौर, ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर में आज से 4 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी होगी, वहीं राज्य में ठंड का दौर जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। श्रीनगर में XUI 192। पार्टी छोड़कर ना जा सके आप नेता, इसलिए केजरीवाल ने दिलाई शपथ, बोले गोवा में लोगों के पास एक ही विकल्प। गोवा में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी है। केजरीवाल ने अमित पालेकर को गोवा में अपना सीएम कैंडिडेट बनाया है। न्यूज 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।